What's up guys, welcome to Studio Cementers. My name is Ketan. Hope आपका पढ़ाई अच्छे खासे से चल रहा है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक वीडियो बना दो VRC के ऊपर। इस साल आपने कुछ ज़्यादा वीडियोज़ बनाए नहीं है, हमारा स्कोर बढ़ नहीं रहा है, नया पैटर्न है, पता नहीं क्या करे कैसे करे। सो मैंने सोचा चलो आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन इट। इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपका स्कोर इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है, उसके रीजन्स क्या हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। कैट का जो नया पैटर्न है वो एक काइंड ऑफ अ डेथ कॉर्नर या ट्रैप कैसे बनता है बच्चों के लिए, and how can you actually improve your score even if you know ye trap hai karke, but fir bhi aap apna score improve kar sakte ho. And at the end of the video main aapko prove karke dikhaunga, main aapko actual CAT 2020 ka paper dikhaunga, and I'm going to show you ki ye trap kaise banta hai. So let's get started with the video. Number 1, 40 minutes trap. Ye sabse important cheez hai jo aapko dekhni hai last year tak. Ha, agar main baat karu 2019 tak, अपना जो कैट का जो VRC सेक्शन था वो पहले आता था, अभी भी आता है, पर उसमें 60 मिनट्स थे और 60 मिनट में हमें करने थे 34 क्वेश्चन। अब हमें करने हैं 40 मिनट्स में राउंड अबाउट 26 क्वेश्चन। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम हुए पर टाइम बहुत ज्यादा घट गया, राइट? 20 मिनट्स का फर्क है। अब बात हम करेंगे 40 मिनट्स, बिकॉज 40 तो मिनट्स ही है, राइट? ये भी मिनट्स है, ये भी मिनट्स है, तो 40 मिनट्स में ऐसा क्या ही हो गया? गाइस अंडरस्टैंड दिस, ये 40 मिनट्स में से 70% आपका जो पेपर होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और 30% आपका वर्बल एबिलिटी है। एंड यहाँ पे नंबर का गेम नहीं चलता, यहाँ पे आपको रीड करना पड़ता ही है। सो रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस 40 मिनट्स में रीड करके 40 मिनट्स में स्कोर करना इज नॉट दैट इजी, बिकॉज इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है। अगर आप रीड करते हो, मान लो अगर आप पैराग्राफ पढ़ना चालू कर देते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, राइट, आप खो जाते हो, वर्बल एबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। सो 40 मिनट में एक्चुअली टेक्निकली इतना ज्यादा करना पॉसिबल नहीं। हाँ, प्रो लेवल पे हो तो कर सकते हो, बट प्रो लेवल पे भी आप 26/26 नहीं कर सकते हो। मूविंग एट द सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रैप इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यू नो आई एम नॉट किडिंग, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। 9 out of 10 मेंटर्स विल टेल यू एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट विल टेल यू कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये 70% आता है कैट में। मैं अग्री करता हूं कि ये 70% आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही ज्यादा ध्यान देना है। इन सब चीजों को मैं कहता हूं ऑर्थोडॉक्स मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी, ये अभी नहीं चलेगा। भले एप्टीट्यूड अगर आप देखोगे, एप्टीट्यूड में ये चीजें नहीं चलेगी, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। यू कैन नॉट रीड 4 reading comprehensions in 40 minutes and get 100% accuracy. दूसरी सबसे एक ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं कंपेरिजन करूं vis-a-vis DLR के साथ और क्वांट्स के साथ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, DLR में 8 क्वेश्चन पे तुमको 95% आता है, वहां पे ही तुमको VRC में 12 क्वेश्चन पे 95% आता है। ये 4 क्वेश्चन का डेल्टा है जो सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, राइट? तो जब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, यार एक बात समझो, तुम्हारे जो 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, कम से कम उसमें 4 पैराग्राफ रहते हैं, तो इन 4 पैराग्राफ का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन गया। अगर मैं पकड़ू ये 250 है, राउंड अबाउट तुमको 1000 वर्ड्स पढ़ने हैं, 1000 वर्ड्स के बाद तुमको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन के बाद तुमको ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, राउंड अबाउट यू आर टचिंग 1700 वर्ड्स 1800 वर्ड्स। कैन यू डू दिस इन 25 मिनट्स? व्हाई एम आई सेइंग 25 मिनट्स? बिकॉज बाकी का जो तुम्हारा टाइम है 15 मिनट में तुम वर्बल एबिलिटी करोगे राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन, ये भी उतना ही जरूरी है। सो बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे कहा, मैं अभी इतने सारे मेंटरशिप सेशंस करता हूँ, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो बाकी के इंस्टीट्यूट से आए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी फैकल्टी ने बस एक ही चीज कही है, आरसी करो तुम्हारा हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी द केस गाइस। डू यू नो इवन दोज हु स्कोर 99.99 डू नॉट कंप्लीट ऑल द 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, दैट्स द रियलिटी। यू वांट टू चेक मी, go check my TWTs with my toppers, you can go to any other channel and check unke toppers ka TWT, wo aapko kahenge ki bhai sirf reading compression karke kuch nahi hone wala. ab dusri jagah baat karte hain, sabse jo ignored cheez mujhe lagti hai wo hai verbal ability. yaar verbal ability ko koi bhaav hi nahi deta, verbal ability is the actual game changer. you get 8 on 8 you are actually going for 85 percentile. ab main isko bada chada ke fake motivation mein 90 percentile nahi banunga, because 85 percentile hi aata hai, बट यहाँ पे वो चीज पॉसिबल है। यार एक सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास 2 बच्चे हैं, हाँ एग्जाम में मान लो 2 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चे ने देखा कि भाई मेरे स्क्रीन पे आया है पैराजिम्बल, एक छोटा पैराजिम्बल जिसकी 4 लाइन है, मुझे वो क्रैक करना है। एक दूसरा बच्चा है जो पेपर में बैठा है, वो बोलता है कि यार मैंने पहले क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन देखे मेरे को पता चला यार मेरे को आया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब 4 लाइन कहाँ पे और इसकी 15 लाइन कहाँ पे,
जाहिर सी बात है इट्स गोना इंपैक्ट योर माइंड एंड इट्स गोना एक्चुअली इंपैक्ट योर इमोशनल क्वोशेंट, जो ईक्यू के बारे में मैं ऑलवेज बात करता हूं. Right, so you need to understand कि जब आप RC के साथ चालू करते हो, how are you going to comfortable with reading comprehension? So the first thing that you need to understand, अगर आपका score नहीं बढ़ता है, अगर आपको वो score improvement नहीं दिखती है, guys, verbal ability, इसमें क्या है? Para jumble है, इसमें क्या है? Odd one out में, इसमें क्या है? Para summary, यार, this is definitely easy. अगर आपको ये tough लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, मेरा faculty para jumble odd one out के जैसा solve करता है, और odd one out para jumble के जैसा solve करता है, और कुछ बच्चों को ये confusion है, but actually ये दोनों चीजें अलग अलग है, you cannot mix them up. Parasummary, paracompletion is also different, right? So, ये strategy आपको जानना बहुत जरूरी कि यार ये दोनों चीजें अलग अलग है, right? You cannot apply para jumble के rules odd one out को 100%. कुछ कुछ rules लग जाते हैं, no doubt about it. But एक दूसरी चीज, अगर तुम देखो cat paper का pattern, यार I have been telling this from 2019 that verbal ability is the game changer. जिन जिन बच्चों ने last year ये चीजें follow करी, वो बच्चों ने 98-99 easily फोड़ा. Because 8 questions जब आप down हो ना यार 15 मिनट में, you are so happy कि यार 15 मिनट में I am down 8 questions, I know I am close to 80-85% time. Now moving ahead, I have RC which is 1, 2, 3, 4. यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, जो पहला आरसी देखा उसी को उठा लिया, उसको सॉल्व करना चालू कर दिया, फिर पता चला होली शिट इससे तो मेरे का होगा नहीं, ये तो मुझे आएगा नहीं, तो तुम्हारा स्कोर कब खत्म, बिकॉज तुम्हारा टाइम चला गया. एंड वो आपको हॉन्ट करेगा कि यार मैंने गलती करा. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों को लगता है. देयर आर सम पीपल दिल से दैट आरसी करो, बट बेटा आरसी से नहीं होगा. भले तू प्रो लेवल हो, तुझे वर्बल एबिलिटी करना ही पड़ेगा. समझा, कम समय में ज्यादा मार्क्स देने वाला इकलौता चीज है वर्बल एबिलिटी. उसके बाद आप आरसी करो चलेगा, फाइन. मूविंग अहेड, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत अलग लेवल है, ये थोड़ा जीमैट के लेवल पे चल रहा है. क्या यार आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक्सेप्ट, ठीक है, इन्फेरेंस, देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रोबेबल रीजन, राइट, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेन आइडिया. हाँ, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं. यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर गाइज, जितने भी बच्चों ने 2020 दिया होगा ना, ये करके देखना. हाँ, आप ये करके देखना और मुझे कमेंट करना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ. लास्ट ईयर जब पेपर हुआ, बच्चे जब बाहर आए, स्लॉट वन स्लॉट टू स्लॉट थ्री वाले, सबने बोला कि भाई इन्फ्लुएंस बेस्ड पेपर आया था, इन्फ्लुएंस बेस्ड पेपर आया था. पेपर इन्फ्लुएंस बेस्ड था ही नहीं, पेपर इन्फ्लुएंस बेस्ड था ही नहीं. लोग जिन्हें कहा पूरा पेपर इन्फ्लुएंस बेस्ड है, नॉट एट ऑल. ओके, चलो आपकी खुशी के लिए मैं कहता हूँ 30% पेपर इन्फ्लुएंस बेस्ड था, बाकी तुम्हारा 70% पेपर पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड था और ये अच्छा खासा स्कोरिंग था. आज अगर आप जाओगे और देखोगे, आपको पता चलेगा कि आपका पेपर वॉज नॉट इन्फ्लुएंस बेस्ड. यू नो वॉट, अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन एक्सेप्ट, पीपल कॉल इट एज इन्फ्लुएंस बेस्ड. नो, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बेस्ड, इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज दैट क्वेश्चन बनाने वाले ने उसको ट्विस्ट करा है. तो अगर आपको स्कोर करना है, आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक अच्छा खासा रीडिंग का जरूरत है. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मेकिंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिटिल टफ. ऑन दी अदर हैंड, चार्ज में से दो आरसी ऑलवेज डुएबल है. हाँ, चार्ज में से दो आरसी ऑलवेज डुएबल है, राइट. बहुत सारे बच्चे कहते हैं इन्फ्लुएंस बेस्ड आता है, बहुत सारे मेंटर कहते हैं इन्फ्लुएंस बेस्ड आता है. भाई मेरे, एक बात समझ लो, जो तुमको नहीं आता उसका मतलब इन्फ्लुएंस बेस्ड होता है. यू गेट इट, नो, बट आई एम गोना बी वेरी ब्लंट, द थिंग दैट यू डोंट नो इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस. ये इन्फ्लुएंस बेस्ड ऐसा नहीं होता. द एंटायर पेपर हैज टू हैव फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन, देयर इज नो डिनाइल टू इट. आई कैन बेट माय लाइफ एंड टेल यू दैट इट विल नेवर बी द केस इन कैट का सिनेरियो दैट द एंटायर क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी ऑन इन्फ्लुएंस बेस्ड. नो वेज मैन, दिस इज कॉल्ड एज रियलिटी चेक. और हमको तो लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आया नहीं, मतलब ये क्वेश्चन तो इन्फ्लुएंस बेस्ड होगा. नो मैन, देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर ट्विस्टेड, द ऑप्शंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई कैन प्रूव दिस टू यू. मेरे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं वर्बल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आपका चैनल कैच स्ट्रैटेजीज वर्बल के लिए, DLR के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं, इसलिए मैं इतना क्वालिटी कॉन्टेंट आपको देता हूँ. सो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, आपको फायदा होगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंस बेस्ड हमारे दिमाग में है. अब जाओ क्या 2020 चेक करो, आपको पता चलेगा इन्फ्लुएंस था. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इन्फ्लुएंस नहीं था, कुछ लोग बोलेंगे अरे 50% इन्फ्लुएंस था, 60% इन्फ्लुएंस था. एक बार जाके देखते रहो पेपर, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बेस्ड, इट्स एब्सोल्युटली फैक्ट बेस्ड, जिससे तुम्हारा स्कोर निकलेगा. अगर मैं वर्बल एबिलिटी भी जोड़ दूं तो 95% है लाना, इज नॉट दैट अ बिग डील, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो.
So if you want to improve your VARC and if you kind of you know grow the ladder up, agar aapki class mein karwate hai to well and good. If not, then you can look forward for joining Seducive Mentors. Yahan pe ye jo verbal ka jo master batch hai, yahan pe hum sab cheeze bahut basic level se karte hai. RC readings ke sabko milenge. Maine Aeon ke bhi kuch session yahan pe dale hai, video free mein aap dekh lena. RC shortcuts, RC strategies, there are 15 RC workshop. Mere khayal se ye zyada hoga, ye round about 20-25 touch karega. वर्बल एबिलिटी के सेशंस अलग से लगने वाले हैं. यू कैन चेक माय पैरा जंबल, पैरा समरी और वन आउट का वीडियोस यार, दे हैव अमेजिंग क्वालिटी. अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी, ओके चलो वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं. लोग कहते हैं कैट में वोकैबुलरी आता है, नहीं आता मेरे भाई. बच्चे वर्ड पार्क मेड इजी को चाट रहे हैं दिन भर, हर 15 दिन में जो पिछले 15 दिन में पढ़ा वो अगले 15 दिन में बच्चे भूल जा रहे हैं. नो गाइज, डोंट डू दिस वर्ड पार मेड इजी, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार वर्ड पार मेड इजी नहीं करोगे तो आपका लाइफ नहीं बनेगा. कर लो, आपको स्नैपर हेलमेट में काम करेगा. हेलमेट में अभी तो वैसे भी वोकैब ज्यादा आता नहीं है, बट अंडरस्टैंड दिस, ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी नहीं आता तो 98% आपका नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं. द थिंग इज दैट कैट डज नॉट आस्क यू वोकैबुलरी, व्हाट कैट आस्क यू इज इंग्लिश यूसेज. मतलब कैट में वो वोकैबुलरी का, वो शब्द का अगर आपको मीनिंग भी पता होगा तो भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज ऑथर जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहता है वो जो हिडन मीनिंग है वो जानना बहुत जरूरी है. एंड आई कैन प्रूव दिस टू यू इवन आफ्टर नॉट मूविंग. अगर आपको वर्बल, अगर आपको वोकैबुलरी का मतलब भी नहीं पता होगा ना, फिर भी 95-96% लेना कोई बड़ी बात नहीं है. थोड़ा स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा. आई एम लॉन्चिंग दिस बैच बाय द वे, आई एम लॉन्चिंग दिस बैच फ्रॉम टुमारो विच इज नथिंग बट सैटरडे. यू कैन चेक आउट विद माय टीम. यहाँ पे वीकली मेंटर्स पे सेशंस होते हैं एंड वी डू इट फॉर ऑल द एग्जाम्स, कैट से लेकर टिस तक हम करते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग इज इंक्लूडेड फॉर स्नैप एंड एनमैट. मूविंग अहेड, व्हाट आई विल बी कीन ऑन इस पूरे के पूरे काइंड ऑफ अ बैच में, व्हाट आई विल बी कीन ऑन, हर एक चीज जो आपको प्रॉब्लम कराती है, हर एक चीज जो आपको ट्रबल करती है, वी विल डूइंग इन अ डिटेल्ड मैनर. हाउ टू सिलेक्ट आरसी, हाउ टू रीड आरसी, स्पीड एंड स्कीमिंग कैसे करा जाता है, राइट. ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रूल ऑफ 30-20, रीड 30% आरसी एंड ट्राई टू सॉल्व राउंड अबाउट 80% क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, राइट. मूविंग अहेड, हाउ डू यू गॉज एलओडी. बच्चों को पैरा जंबल का एलओडी गॉज करने में तकलीफ होती है कभी कभी. अच्छा, यू टेल मी, आप कमेंट करके बताओ आप पैरा जंबल कैसे उठाते हो, जस्ट बाय लुकिंग एट द पैरा जंबल की सर ये पैरा जंबल हमने उठा लिया. नो, देयर इज अ वे टू आइडेंटिफाई कि ये पैरा जंबल इजी है या ये टफ है, क्या मैं इसको पहले 10 मिनट मिलूंगा या एंड के 10 मिनट मिलूंगा, मैं अपना स्कोर को ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, दैट हाउ डू यू सिलेक्ट योर पैरा जंबल ऑर्डर आउट एंड पैरा समरी. वी विल बी एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू आंसर एक्सेट वाला क्वेश्चन, इन्फरेंस क्वेश्चन, मेन आइडिया क्वेश्चन, एसेंस, प्रोबेबिलिटी. एंड हम तीन लेवल पे वीआरसी कराते हैं, पैरा जंबल हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, बेसिक एडवांस एंड चैलेंजर. इतना भी अगर आप कर लोगे यू विल बी सॉर्टेड, इतना भी अगर आप कर लोगे यू विल बी सॉर्टेड. आई एम लॉन्चिंग दिस बैच फ्रॉम टुमारो विच इज सैटरडे. इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस, बट गाइस ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ. ये जो ट्रैप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज ट्रैप्स और डेथ कॉर्नर यू कैन से. थोड़ा सा जो ऑर्थोडॉक्स हमारा जो फंडा होता है, हमारा जो ऑर्थोडॉक्स मेथड होता है पढ़ाई करने का, उसको आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा. नाउ आई एम गोना वॉक यू थ्रू द एक्चुअल कैट 2020 का पेपर और मैं वहां पे आपको बताऊंगा ये ट्रैप कैसे काम करते हैं. ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. ओके, इट सेज फ्रॉम द पैसेज, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन 2020 स्लॉट 1, इन्फरेंस. हाँ, ये सीधा सीधा इन्फरेंस का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट शॉर्ट इन्फरेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इफ ट्रू कुड हैव एंश्योर्ड, इफ ट्रू ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करना पड़ेगा. एंड हियर यू वुड नीड द स्ट्रेटजी टू रीड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि मैं इसको कम समय में मैं कैसे बात करूं. विच इन द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप, हाँ सम्स अप ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेज नॉर्दर्न एलिफेंट सील कॉल्स. यार इवन दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप पैसेज रीड करोगे ये आपसे बनना चाहिए शॉर्ट शॉर्ट. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, यहाँ पे एंड में आया है एक्सेप्ट, ये ट्रैप है, ये डेथ कॉर्नर है, दिस शुड हैव बीन लेफ्ट एब्सोल्युटली, दिस शुड हैव बीन लेफ्ट एब्सोल्युटली. इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज द ऑथर कुड बी मोस्ट सपोर्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस, सिंपल है, दिस इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द स्ट्रैटेजी इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट इन्फरिंग बोला है तो थोड़ा सा पंगा हो गया. टेक एनी नाउन, पुट इट विद एनी वर्ब, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. आगे चलेंगे, इन्फर्ड एक्सेप्ट, ये इन्फरेंस वाला है मैं मानता हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स बेस्ट कैप्चर द मेन कंसर्न, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. इफ फॉल्स, अगेन इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, राइट. थोड़ा आगे चलेंगे, ये कौन सा, दिस इज चाइना वाला. ओके, ये पूरा पैसेज तुम्हारा फैक्ट बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट एक्सेप्ट आया तो थोड़ा टफ हो गया. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, अगेन इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. आगे चलेंगे, व्हेन डिस्कसिंग टेक्सटाइल स्टेडी एंड स्टेबल, फैक्ट बेस्ड है, एक्सेप्ट की वजह से टफ हो गया.
एक्सेप्ट नहीं होता तो इजी हो जाता, बट फिर भी इसके ऑप्शंस देखो यार, ऑप्शंस इसके इजी है, राइट। मूविंग अहेड ड्यूरिंग द टैंग पीरियड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आया है। आगे चलेंगे, समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन ग्रीक, व्हाट डू वी हैव हियर, द ऑथर बिलीव्स दैट द न्यू रूलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज अगेन दिस इज व्हाट फैक्ट बेस्ड। हां, मूविंग अहेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिमिलर बिटवीन अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट एंड अनार्किस्ट, फैक्ट बेस्ड। आगे चलेंगे, द ऑथर मेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फैक्ट बेस्ड। एक्सेप्ट मतलब इन्फरेंस नहीं होता, इट्स जस्ट दे ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड मेक इट लिटिल टफ फॉर यू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द आइडिया, ओके फैक्ट बेस्ड। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग ओके ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आइडेंटिफाई द सेट दैट इज कंसेप्चुअली क्लोजेस्ट टू द कंसर्न ऑफ द पैसेज, अगेन इट्स अ फैक्ट बेस्ड, राइट। और ये चला आपका वर्बल एबिलिटी। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, आउट ऑफ 18 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड थे, कितने क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड थे? Then why do we say that the verbal reading comprehension is absolutely inference based? No, it is not. It is not. It is that you need to understand verbal very well before you move it. And guys, if you understand this, this is going to be very easy. So, this level pe hum aapko batate hain, this level pe hum aapko padhenge. Guys, if you want to join us, most welcome. My batch starts from tomorrow. Tomorrow is going to be my first lecture, which is Parajumble basic to advanced level. And then Sunday, I will be solving CAT 2020 slot 1K reading comprehension with you. So, guys, VRC easy है, थोड़ा strategy, थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा logic and you should be able to do it. Please comment on the video, आपको ये video कैसा लगा, and if you want me to make more videos on verbal ability and reading comprehension. That's it from my side guys, take care, work hard, keep hustling, bye bye.